हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों की देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं, बल्कि वह ऐसी शक्तियां थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर मौजूद थे, और उनमें से कई शक्तियां तो आज भी मौजूद हैं, बस वह हमें नजर नहीं आती। लेकिन इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जो पूरी तरह से विज्ञान को चुनौती दे रही है। हम बात कर रहे हैं इस धरती पर मौजूद कैलाश पर्वत की, जहां पर रहते हैं भगवान शिव, अभी भी मौजूद हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जगहों की जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर आज भी भगवान शिव के होने का एहसास होता रहता है। इस जन्म में भगवान शिव का दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनके निवास स्थान का दर्शन मनुष्य के भाग्य में जरूर लिखा है। माना यह भी जाता है कि दुनिया की समस्त शक्तियों और ऊर्जा का स्रोत कैलाश पर्वत ही है। हिमालय की गोद में बसा पर्वत भले ही दुनिया के ऊंचे पर्वतों में शामिल ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार से है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं में एक मंदिर है। इस पर्वत की मान्यता इसी बात से लगाई जा सकती है कि इस पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यह पर्वत सोने की तरह चमकता दिखाई देता है। तब ऐसा लगता है जैसे कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव है। धरती के इस स्थान पर हवाओं की तरंगों का मिलन कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ आए हुए भक्तों को बड़ी ही अद्भुत ओम की धुनी सुनाई देती है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव तो दूसरी और दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए बहुत ही बड़ा पवित्र स्थल है। पश्चिमी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत, अमरनाथ यात्रा में जाते समय रास्ते में इसके दर्शन होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि और तीन धर्मों के लिए पवित्र स्थान है। यह पर्वत दुनिया के चार प्रमुख धर्मों को जोड़े रखता है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्धिज्म। इन चारों धर्मों में कैलाश पर्वत का महत्व भगवान शिव की अलौकिक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। और दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर्वत को इस धरती का केंद्र माना गया है। यूं कहें तो इस धरती की नाभि इस पर्वत पर दिशा सूचक यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं के द्वारा बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। यह पर्वत इस धरती के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण बनाए रखता है, और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिस पर आज तक हजारों लोग जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 किलोमीटर की कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ सका है। किसी भी ऊंची जगह पर चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा समस्या आती है ऑक्सीजन की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 किलोमीटर है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से ज़्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। माउंट एवरेस्ट से लगभग
2000 मीटर कम है, फिर भी अभी तक इसके शिखर तक कोई पहुंच नहीं पाया है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के समय यहां ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जैसे मानो कि यह पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। ठंड अचानक बढ़ जाती है, मौसम बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वह इस पर्वत से जिंदा वापस नहीं लौटा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। ऐसे में बिना अनुमति के कोई उस पर्वत पर चढ़ जाए ऐसा भगवान होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है, परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं शताब्दी में तिब्बत बौद्ध योगी निरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और वे सफल भी रहे थे। इस बात को साबित करने के लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्म गुरु बताते हैं, कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत के साथ जुड़ी कुछ दंत कथाएं भी हैं। उन्हीं कथाओं के बारे में जानने के लिए 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्नेस्ट मुल्ला से ने कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जानने के लिए एक टीम बनाई और इस पर्वत का कई दिनों तक अध्ययन करने के बाद अपनी किताब में लिखते वक्त यह दावा किया है कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा तैयार की गई प्रवीण जैसा लगता है और कैलाश पर्वत की ये चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या फिर किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है और इस जगह पर अलग तरह की रेडियंस होने के कारण इसे परलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताते हैं। उनके दावे में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्ला से कैलाश पर्वत को किसी आदमी या शक्ति द्वारा बनाए जाने की बात की है, वो शायद भगवान शिव ही थे। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात सही भी लगती है और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने यह दावा किया है कि यहाँ समय बड़ी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों की वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 हफ्तों में हो जाती है वह यहाँ 24 घंटे में हो जाती है और इन पहाड़ों के बीच में हवा उम्र तेजी से बढ़ाने का काम करती है। ऐसे ही जब एक रशिया के पर्वतारोही सृजिस्टी कोवा कैलाश पर्वत के पास पहुंच गए तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा यहाँ नहीं रुकना चाहिए। के बाद जैसे ही वह नीचे आते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया। 2001 में आखिरी बार स्पेनिश टीम के लोगों ने इस पर्वत पर जाने की कोशिश की थी, तब दुनिया भर के लोगों के दबाव के कारण उन्हें अपनी यह खोज रोकनी पड़ी। उस दिन के बाद वहाँ की गवर्नमेंट कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति किसी को भी नहीं दी। कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्नों के उत्तर इंसानों की बुद्धि से तो परे होते हैं। ऐसे में एक बात तो साफ होती है कि हिमालय के पर्वतों के बीच शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है और इस पर्वत को एक एंगल से देखने पर शिव जी के मुख जैसा दिखाई पड़ता है। मेरा मानना यही है कि उस पर्वत पर शिव जी नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही शिव है। तो दोस्तों अगर आप भी शिव जी को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।